दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास शाम 7:30 बजे। ये क्लास आप डेली देख पाते हैं शाम को 7:30 बजे। किसी भी राज्य से अगर आप स्टेट टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको अगली क्लासेज और वीडियोज़ के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको कोई स्पेशल ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लिया जाएगा। जो भी नोट्स तैयार होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में। और सिर्फ यही नोट्स नहीं, जो अभी तक हमने नोट्स दिए वो सारे नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपका नंबर भी सेफ रहता है टेलीग्राम से, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 51 तक पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस क्लास का जब लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे ही आपको पिछली क्लास का लिंक वहां पे मिल जाएगा, क्लिक करिएगा और देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और बीच बीच में आपको ऊपर सजेस्टेड में वीडियो शो करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 52, बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग सभी को। शैलजा गुप्ता, मनोज, नीति शर्मा, उपासना, अनुराग केसरी, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे आंसर भी आने लगे कुछ लोगों के। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है। एक दिशा में, ऑप्शन है प्रकाश, ऊर्जा, जल या फिर जैवभार। तो आंसर क्या मिलेगा, एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र किसका होगा। यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, चार ऑप्शन है, मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या फिर जल जीवशाला द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तब तो आप तुरंत ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे। पहला मत्स्य पालन, जो कि एक्वेरियम शायद बोलते हैं उसको, जो घरों में मतलब अच्छा दिखने के लिए शोपीस के लिए लगाई जाती है, कुछ लोगों को पसंद भी है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित अगर आपको बनाना है, तो अगर आपको कृषि भूमि मिल जाए तो उसके आप अपने हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने हिसाब से जिस तरीके की आवश्यकता है या जिस तरीके का आप निर्माण करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र, एक्यूमेन, एमडीसी या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमेन। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है, समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या फिर कृत्रिम। घास भूमि की बात कही जा रही है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे कई सारे लोग दे रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया लाइक का बटन दबाएं, रंग बदलें उसका, अभी ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, उसको ब्लू करें तुरंत। प्रश्न संख्या 55 जिनका भी है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्थलीय, क्योंकि घास क्या है, स्थल पर उगाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कल की क्लास में हमने बाल विकास के 100 क्वेश्चन करा दिए आपको, 84 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और ऊपर सजेस्टेड में। प्रश्न संख्या 56 है आपकी स्क्रीन पे। समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है, जूप्लैक्टन, फाइटोप्लैक्टन, प्लैंकटन, मछली या फिर समुद्री पक्षी। प्रश्न संख्या 56 बिल्कुल सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या आएगा, फाइटोप्लैंकटन, ठीक है। जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है इस पारितंत्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई, लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका और तैयार होगा कि हुसैन सागर जो झील है वो कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। किस जीव की वृद्धि से ये नष्ट हुई ये आपसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जलकुंभी, बिल्कुल सही जवाब जितने भी लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए।
अंतरिक्ष में बनाया गया पारितंत्र होता है। स्वनियंत्रित कृत्रिम पारितंत्र, जलीय पारितंत्र या फिर तंत्र या फिर वायु पारितंत्र। अंतरिक्ष यान की बात कही जा रही है, प्रश्न संख्या 58, तो ये खुद से बनाया जाता है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कृत्रिम पारितंत्र, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 59 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम के बाग, घास का स्थल। चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक्वेरियम। पूछा क्या जा रहा प्राकृतिक, तो भाई एक्वेरियम तो ये कृत्रिम के अंतर्गत आता है। आंसर क्या आएगा? घास का स्थल जो है वो प्राकृतिक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं, घास का स्थल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र या फिर ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल पे न्यू है, पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं, तो शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न संख्या 60 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण या फिर जलमंडल। जिन दशाओं से घिरे हुए उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 62, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मानसूनी वन, यहाँ पे वनों के नाम दे रखे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वैश्विक पूरे विश्व स्तर की बात कही जा रही है, शीतोष्णकटिबंधीय वन या फिर लास्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे भूमध्य सागरी वन। प्रश्न संख्या जो भी हो इसका सही जवाब क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वन, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 63 देखिए यहाँ पे, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन में वृद्धि, लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो भाई खनिजों के पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, धूल से भी प्रदूषण होता है, भूस्खलन में वृद्धि होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, खनिजों का उपयोग होता है औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में या फिर उपर्युक्त सभी में। प्रश्न संख्या 64 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सभी में होता है, भवन निर्माण में भी, भोजन में भी और औषधियों में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 65, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट के लिए, मैकाइवर, निकोलस या फिर के आर दीक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे के आर दीक्षित इनमें से कोई नहीं, तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बचते हैं यहाँ पे, मैकाइवर या फिर निकोलस। फिर से देखिएगा, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, ये कथन किसका है? तो निकोलस का कथन है यहाँ पे, जिन लोगों ने निकोलस उत्तर दिया बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 66, पर्यावरण एक वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसका कथन है? ये भी आपसे पूछा जा रहा है, सविंद्र सिंह, जे एस राश, सी सी पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जे एस राश, क्योंकि आप इसमें अगर आपको आता है तभी कर पाएंगे, वरना तुक्का लगाइए सही हो गया तो हो गया। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, विलियम हैवेट ने, टॉन्सले ने, ओडम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, तो वीडियो को आपने शेयर किया, लाइक किया, बहुत अधिक धन्यवाद आप सभी को ढेर सारा। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे आंसर जिनका आ रहा है, विलियम हैवेट, ठीक है, पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 67, पर्यावरण का जैविक कारक है, जैविक कारक की बात कही जा रही है यहाँ पे, ऑप्शन है मृदा, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति, वायु या फिर तापमान। तो जैविक कारक क्या होगा यहाँ पे, आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर, वनस्पति, वायु, तापमान या फिर मृदा। जैविक कारक होगा यहाँ पे वनस्पति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन वनस्पति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण पर अधिकार है, वनस्पति का, मानव का,
जंतुओं का या फिर इनमें से कोई नहीं तो मानव का अधिकार है पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा देखरेख और सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको है, पर्यावरण की, मानव को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने बताया बिल्कुल सही जवाब। सभी का स्वागत, सभी को गुड इवनिंग, नाम नहीं लिए जा रहे हैं आप सभी के। पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या फिर उपरोक्त सभी। नाम न लेने का कारण यही है कि देखिए समय आपका बहुमूल्य है और ऐसा कोई हम बहुत बड़े प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपका नाम लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्वेश्चन आपके अधिक हो जाएंगे कम समय में, ये ज़्यादा जरूरी है। पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 पर्यावरण का तत्व है, ऑप्शन फर्स्ट देखिए जल, वायु, मिट्टी या फिर सभी, तो ये तीनों ही तत्व हैं तो आसान सा जो प्रश्न होगा उसमें आपका समय अधिक खराब नहीं करेंगे। उपरोक्त सभी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासनिक, बहुअनुशासनिक, संकुचित या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों ने यूपी टेट 2018 का पेपर दिया होगा उनको पता होगा कई बार ऐसा होता है हम कठिन कठिन चीज़ें पढ़ते हैं और पेपर में बहुत आसान चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पूछ लिया गया था, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो आपको आते होते हैं, ठीक है। तो आसान से जो क्वेश्चन उनका रिवीजन करना भी जरूरी है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकल अनुशासनिक होगी, बहुअनुशासनिक होगी या फिर संकुचित होगी, तो आंसर जिन लोगों ने दिया है बहुअनुशासनिक, भाई एकल नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख, चलिए छोटा कर देते हैं। अब देखिए रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो किस पर आधारित है, तो आपने आंसर ही देख लिया यहाँ पे किस पर आधारित है, प्रदर्शनी पर। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 74 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपके सुपर टेट और यूपी टेट दोनों में। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, कार्ल रिटर, ग्रीफिथ, टेलर या फिर डेविस, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कार्ल रिटर। निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, कार्ल रिटर। आप लोग लिखा करिए लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी कि आपने क्लास में पढ़ी थी कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु ऊर्जा, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे प्रश्न संख्या 75 जो लोग ऑप्शन बता रहे हैं जल विद्युत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 76 दूरदर्शन रेडियो नाटक कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या कहते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, पाठ्यक्रम या फिर विद्यालय। तो देखिए पाठ्यक्रम शिक्षा विद्यालय शिक्षा होगी नहीं, औपचारिक और अनौपचारिक आपने पढ़ा ही होगा जब आपने BED BDC की ट्रेनिंग की है उसके दौरान अच्छे से आपने पढ़ा होगा और एक प्रश्न आता भी है। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है अनौपचारिक, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता, बाकी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो आप सोशल मीडिया से चीज़ें सीखते हैं वो क्या है, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए प्रभावकारी कक्षाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है, वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या फिर जलमंडल। देखिए प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, जीव किस में रहेंगे, जैवमंडल में रहेंगे, पर्यावरण में रहेंगे। अब दो में से आपको कन्फ्यूजन होगा तो सिंपल सा है, पर्यावरण के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, संपूर्ण योग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 78 जितने भी लोग नए जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत उनका, रोज़ शाम को करेक्ट 7:30 बजे आ जाया करें, वन डे एग्जाम स्टडी लाइव सर्च करके, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तब भी, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे, तो तीनों को शामिल करेंगे, उपरोक्त तो सभी सही जवाब होगा। और ऊपर आपको सजेस्टेड में कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, क्लिक करके आप देख सकते हैं, कभी भी किसी भी वीडियो में जब आपके पास समय हो कोई भी वीडियो ऑन करिए और उसमें आप ऊपर सजेस्टेड में जो शो करता है उसमें आप क्लिक करें, सारी क्लासेज आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी रहती है। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब होगा आपने गेस कर लिया। प्रश्न संख्या 80 भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल है, 1, 2, 3, 4,
तो भौगोलिक अध्ययन में दो प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? ए फिटिंग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व तो नहीं है, भूमि के रूप, मृदा, खनिज या फिर बस्तियां। भौतिक वातावरण का तत्व तो नहीं है, आप आसानी से पहचान सकते हैं, बस्तियां होगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी, नवनियतवादी अवधारणा या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? नवनियतवादी अवधारणा। सतत व स्थायी विकास जो है नवनियतवादी, यानी कुछ नया जो नया होता रहता है उस कॉन्सेप्ट, उस अवधारणा से संबंध रहता है सतत और स्थायी विकास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या फिर 100% से कम, बताइए वन्य क्षेत्र किसको कहेंगे? प्रश्न संख्या आपका था यहाँ पे 84, जिनका भी ऑप्शन आया है 50% से कम, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 85, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए, कार्ट रीटर थे। प्रश्न संख्या 86, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 87 देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? सभी का आंसर सही होगा 5 जून। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88, निम्न में से किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणी विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या फिर कागज के थैलों का प्रयोग, बताइए। तो गरीबी कम करना जो है इसका संबंध नहीं होगा। यहाँ प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा, किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं, तो गरीबी एक अलग चीज़ है, बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, कागज़ के थैलों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो उससे पर्यावरण सुरक्षा होगी, वातानुकूल और ये सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? गरीबी कम करना। क्वेश्चन नंबर 89, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 20%, 23%, 33% या फिर 53%। क्वेश्चन नंबर 89, प्रश्न संख्या 89 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो ये कहा क्या जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन अगर बनाना है आपको तो क्षेत्रफल जो है वो 33% लगभग होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 90, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन आपको उनसे मिलती है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गलत टिक हो गया ये, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए यहाँ पे, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होना चाहिए? आंसर आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कोलकाता, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ, वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लाइक का रेशियो कम है भाई, सभी लोग एक बार लाइक कर दें अगर क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन, संरक्षित वन,
परिबद्ध वन या फिर उपरोक्त सभी, अधिकतम सबसे ज़्यादा वनाच्छादन पूछा जा रहा है यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन है आरक्षित वन बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िए आप लोग यहाँ पे, साइलेंट ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं, कृषि वन कॉफी या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 बिल्कुल सही जवाब, वन को हम क्या कहते हैं, हरा सोना, तो बी ऑप्शन सही होगा सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, शेयर कर दें इस क्लास को, अच्छे क्वेश्चन है जिससे सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य या फिर उपरोक्त सभी। तो वन संपदा का मालिक कौन है, राज्य, राज्यों का दायित्व रहता है वनों की देखभाल करना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, वन महोत्सव का संबंध किससे है, पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या फिर पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। अब ये ऑप्शन तो आप काट सकते हैं, दो में आप फंस जाएंगे, पेड़ लगाना या फिर पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो यहाँ पे कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, जिनका भी ऑप्शन आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लोग बता रहे हैं इनका संबंध किससे, पेड़ लगाने से, तो ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी हैं उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, अच्छा प्रश्न है ये, पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर या फिर उपरोक्त सभी। पूछा क्या जा रहा है आपसे, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, इंपॉर्टेंट नोट करिए, अपनी डायरी में नोट करते रहा करें, और लाइव क्लास में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो वो आप नोट कर लिया करें, कोशिश करें कि कॉपी पेन लेकर के बैठें, आपका फ़ायदा होगा उससे, आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्रश्न संख्या 97 का, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है पहाड़ों के ढलान पर, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए के साथ, जितने भी लोग गए हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 98, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, बताइए प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, जल, ऊर्जा, भूमि या फिर इमारतें, प्राकृतिक से संबंध किसका नहीं है, सिंपल सा है इमारतें, क्योंकि ये कृत्रिम है, मानव खुद निर्मित करता है इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो नष्ट हो रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण या फिर वन्य जीवों का शिकार। तो सबसे ज़्यादा जो सुइटेबल आंसर है यहाँ पे वो होगा भूकंप, जिससे क्या होता है भाई, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं जब भूकंप आता है, काफ़ी पेड़ पौधे और काफ़ी जनधन की हानि होती। प्रश्न संख्या 100 देखिए यहाँ पे, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता या फिर पार्थिव एकता। क्वेश्चन नंबर 100, तो प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, मूलभूत संकल्पना नहीं है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 101 देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप गूगल सर्च करिएगा और फिर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको कभी भूलेगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। सो आप जिससे क्या करें, आप अगर आपको उसका उत्तर पता है तब तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे, अगर नहीं पता है तो उसको आप ढूंढ करके कमेंट करें, जिससे आपको वो क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्रस्ट, मेंटल कोर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 101 या फिर होमवर्क क्वेश्चन आप कह सकते हैं, आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और यहाँ पे जो पिछली क्लास हुई थी उसके लिंक आपको दिए जा रहे हैं, क्लिक करें और देखें। थैंक यू सो मच आप सभी का इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए, रोज़ शाम 7:30 बजे को
साढ़े सात बजे क्लास आप डेली देख पाते हैं वनडे एग्जाम स्टडी चैनल पे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमें अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।